नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और अचूक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के स्टूडियो में बात करेंगे 28 मई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से जुड़े बिंदु व प्रश्नोत्तर पर, साथ ही महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखें। चर्चा करते हैं आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं की। फेसबुक ने कॉलिंग कैचअप एप्लीकेशन लॉन्च किया है। सोशल मीडिया फेसबुक ने एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन शुरू किया है जिसे कैचअप नाम दिया गया है। कॉलिंग एप्लीकेशन का उद्देश्य मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ कॉल टाइमिंग को एक साथ लाना और इसे फेसबुक की नई उत्पाद प्रयोग टीम के द्वारा विकसित किया गया है। फेसबुक के संस्थापक व सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक का जो मुख्यालय मेनलो पार्क कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि के ऊपर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मई को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उनकी 56वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। नेहरू जी का जन्म इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में 14 नवंबर 1890 को हुआ था। नेहरू जी की मृत्यु 27 मई 1964 को नई दिल्ली में हुई थी। नेहरू जी आज़ादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। नेहरू जी को आधुनिक भारत के एक वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। LIC के द्वारा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना प्रारंभ की गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरू की है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए होगी। यह योजना 26 मई 2020 को शुरू हुई है और अगले 3 साल की अवधि के लिए चलेगी। यह 31 मार्च 2023 को समाप्त होगी। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। LIC का जो मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। LIC के संस्थापक भारत सरकार का उपक्रम है LIC। अगला बिंदु, जापान ने पूरी तरह से देशव्यापी आपातकाल हटा दिया गया है। कोरोना वायरस महामारी के बाद लगाए गए देशव्यापी आपातकाल को जापान ने पूरी तरह से हटा दिया है। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने घोषणा की कि टोक्यो सहित 5 प्रांतों में आपातकाल हटा लिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि संक्रमण फिर से तेजी से फैलने लगे तो आपातकाल की स्थिति को फिर से लागू किया जा सकता है। अगला बिंदु, सरकार आरोग्य सेतु एंड्रॉइड ऐप के लिए ओपन सोर्स कोड जारी करेगा। भारत अपने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु के एंड्रॉइड वर्जन के लिए ओपन सोर्स कोड रिपोजिटरी पर कोड जारी करेगा। सरकार ने बग बाउंटी कार्यक्रम भी शुरू किया है जो ऐप में बग या खामियों की खोज करने वालों को 1,00,000 रुपये का इनाम देता है। सरकार ने कहा कि बाद में सभी अपडेट इस रिपोजिटरी के जरिए ओपन सोर्स के लिए किए जाएंगे और ऐप के iOS और क्योस्क जियो फोन पर वर्जन को भी जल्दी ओपन सोर्स बनाया जाएगा। 2 अप्रैल 2020 को भारत ने ब्लूटूथ आधारित कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को सक्षम करने, संभावित हॉटस्पॉट के मानचित्रण को सक्षम करने और COVID-19 के बारे में प्रासंगिक जानकारी के प्रसार के उद्देश्य से COVID-19 के प्रसार को सीमित करने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था। सलमान खान ने ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है। सुपरस्टार सलमान खान ने अपना खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान स्वच्छता के महत्व को ध्यान में रखते हुए सलमान खान ने ब्रांड के पहले उत्पाद के रूप में सैनिटाइजर लॉन्च का फैसला किया। अन्य उत्पादों को भी जल्द ही लॉन्च किया जाएगा और हेटअप freshpal.com से खरीदा जा सकता है। छत्तीसगढ़ ने लेह की खेती को कृषि का दर्जा दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में लेह की खेती को एक कृषि गतिविधि के रूप में मानने और किसानों, खासकर दूरदराज और वन क्षेत्रों में रहने वाले किसानों के लिए आजीविका विकल्प के रूप में बढ़ावा देने का फैसला किया है। लेह एक स्कारलेट रंग की राल है जिसे लेसीफेरिया कोरिका लार्का नामक कीट के द्वारा स्रावित किया जाता है जो पेड़ों पर अपना घर बनाता है। राल को पेड़ों से निकाल दिया जाता है जो सूख जाता है और लाख बनाने के लिए संसाधित किया जाता है जो आभूषण और चमड़े के उद्योगों में उपयोग किया जाता है। राजीव जोशी को इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। भारतीय अमेरिकी IBM वैज्ञानिक राजीव जोशी ने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं में सुधार के लिए योगदान करने के लिए इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है।
ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु। अब चर्चा करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा? तो मेघालय राज्य है वह राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा। मेघालय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मेघालय राज्य के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा है, नेशनल पीपल्स पार्टी से संबंध रखते हैं। मेघालय के जो राज्यपाल है वह तथागत राय है। अगला प्रश्न, हाल ही में टिकटॉक के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केविन मेयर को टिकटॉक के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। टिकटॉक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है या चीन देश की कंपनी है? अगला प्रश्न, 30 जून 2020 तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। हिमाचल के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदु, हिमाचल की राजधानी शिमला है। हिमाचल के जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर बीजेपी पार्टी से, और हिमाचल के जो राज्यपाल है वह बंडारू दत्तात्रेय। अगला, हाल ही में दुनिया के सबसे अधिक पैसे कमाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो नाओमी ओसाका जापान की महिला टेनिस खिलाड़ी है, और इन्होंने अमेरिका की सेरेना विलियम्स टेनिस खिलाड़ी को पीछे किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो मिजोरम राज्य सरकार ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने का फैसला किया है। यह खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और महत्व बढ़ाने की दिशा में खेलों में अधिक निवेश करने के लिए किया गया फैसला है। मिजोरम के संबंध में अन्य, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम के जो मुख्यमंत्री जोराम थांगा मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से है। मिजोरम की जो राज्यपाल है पीएस श्रीधरन पिल्लई है। अगला प्रश्न, हाल ही में तसाई इंगवेन किस देश के फिर से राष्ट्रपति बनी है? तो ताइवान की राष्ट्रपति चुनी गई है। ताइवान एशिया महाद्वीप में स्थित है। ताइवान की जो राजधानी वह ताइपे, और ताइवान की जो करेंसी है नई ताइवान डॉलर। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की गई है। रिस्टार्ट पैकेज का उद्देश्य लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME को फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी। आंध्र प्रदेश के संबंध में, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से है, और आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। अगला प्रश्न, हाल ही में बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? भारतीय हॉकी से बलबीर सिंह दोसांझ का संबंध है। 1956 में ओलंपिक में बलबीर सिंह दोसांझ भारतीय टीम के कप्तान थे, और उन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जिताया था। 1957 में पद्मश्री सम्मान हासिल करने वाले ये पहले खिलाड़ी थे। भारतीय हॉकी संघ, भारत में हॉकी खेल को भारतीय हॉकी संघ के द्वारा संचालित किया जाता है, जिसकी स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी। अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद, पुरुष हॉकी टीम के कोच ग्राम रीड है, महिला हॉकी टीम के कोच सॉर्ड मरीन है। हाल ही में सैमसंग ने अपने ऑफलाइन रिटेलर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो वह फेसबुक कंपनी के साथ ये समझौता किया गया है। सैमसंग की स्थापना 1 मार्च 1938 को हुई थी। मुख्यालय सियोल दक्षिण कोरिया में है। संस्थापक लिबियंग छल है। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया USA अमेरिका में, और इसके जो सीईओ है मार्क जुकरबर्ग है। आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में किसने मौसम सेवाओं की जानकारी के लिए उमंग ऐप में मौसम सेवाओं को लॉन्च किया है? तो भारतीय मौसम विभाग के द्वारा उमंग ऐप लॉन्च किया गया है। उमंग ऐप इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और वर्तमान जो मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। तो साथियों, ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ साथियों, इस चैनल से डेली करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपकी तैयारी के लिए सार्थक साबित होंगे।
इस चैनल से वीडियो की लगातार अपडेट आपको मिलती रहे, इसके लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। धन्यवाद।